दोस्तों, आपके सामने अगर कोई इंसेक्ट्स की बात करता है तो काफी लोगों को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसेक्ट्स सिर्फ डरावने नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी अभी मौजूद हैं जो कि आम इंसेक्ट्स के मुकाबले काफी रेयर होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में आपको इससे पहले बिल्कुल पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए मेरे दोस्त। नंबर वन इज ब्राजीलियन ट्री हॉपर। अभी हम आपको उस इंसेक्ट से मिलाने वाले हैं जो दिखने में काफी अजीब और किसी एलियन क्रिएचर की तरह दिखाई देता है। मिलिए ब्राजीलियन ट्री हॉपर से, जो कि अभी ब्राजील के अलावा अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पाया जाता है, जिसे पहली बार देखने पर आपका ध्यान इसके सर पर लगे इन गोल गोल एंटेनास पर जाएगा। साइंटिस्ट अभी पता कर रहे हैं आखिर ये क्या है। कुछ का कहना है कि ये उसकी आंखें हैं, तो कुछ का कहना है कि ये सिर्फ एक ऑर्नामेंटल है जिसका उन्हें कोई उपयोग नहीं होता। तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये उनके लिए सेंसरी ऑर्गन जैसे काम करते हैं। इस पर रिसर्च अभी चालू है। ये जीव अपनी प्रजाति का सबसे अलग दिखने वाला इंसेक्ट है और इसकी प्रजाति में करीब 3000 से भी ज्यादा अलग अलग इंसेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आप में से कई लोगों ने इसे अभी पहली बार देखा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये इंसेक्ट हमारी धरती पर करीब 40 मिलियन सालों से रहता आ रहा है। ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये बात सच है। लेकिन ये काफी रेयर होने की वजह से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अभी इसे देखा है। नेक्स्ट इज फ्लर्टीडी प्लांट हॉपर निम्फ। इस इंसेक्ट का नाम जितना बड़ा और डिफिकल्ट है, उतने ही ये इंसेक्ट छोटा और क्यूट है, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल भी किसी इंसेक्ट के जैसा नहीं लगता, जो कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन असल में ये इंसेक्ट ही है, लेकिन बग्स की प्रजाति से बिलोंग करता है, जिसे फ्लर्टीडी प्लांट हॉपर निम्फ के साथ साथ वॉकिंग स्नोफ्लेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सफेद रंग का होता है। ट्रॉपिकल्स जगहों पर इस जीव के करीब 1000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें हर एक बग एक से बढ़कर एक नजर आता है। इनके जो ऊपर का हिस्सा है, इसमें हमें वैरायटी देखने को मिलती है। कोई इस तरह दिखता है तो कोई इस तरह है। ये जीव सच में कमाल का है। नेक्स्ट इज क्रियोटो नोटोस गैंगिस। इस जीव को देखकर आपको यही लगेगा कि ये कोई एलियन इंसेक्ट तो नहीं, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, लेकिन ये एक कैटरपिलर की प्रजाति है जो साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इनके पीछे की ओर आप जो चार पैरों जैसी चीजें देख रहे हैं, उन्हें कोरेमाटा कहते हैं, जो सिर्फ मेल मॉथ में ही होते हैं, जिससे वो स्मेली फेरोमोन्स सीक्रेट करते हैं, जिससे फीमेल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इनकी साइज 4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। इसे देखकर कई लोगों को ये जरूर लग रहा होगा कि ये जीव हार्मफुल होंगे, लेकिन देखा जाए तो ये हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। हाँ, लेकिन इसे दिखाकर आप किसको डरा जरूर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो हमें कॉमेंट्स में लिखे पार्ट 3। नेक्स्ट इज गोल्डन कोकून। आप में से अगर किसी को अलग अलग टाइप की तितलियां पसंद है तो आपने अभी तक अलग अलग तरह के कुकून्स भी देखे ही होंगे। जिन्हें कुकून्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए सरल भाषा में बता दें कि ककून कोई अलग तरह का जीव या फिर इंसेक्ट ना होकर एक शैल है, जिसमें एक कैटरपिलर तितली बनने की प्रोसेस में होती है। लेकिन आप में से कईयों ने इस तरह के शैल ग्रीन कलर में ही देखे होंगे, जो कि बेहद आम है। पर एक ऐसा शैल भी है जिसे देखना सबको नसीब नहीं होता। यह है गोल्डन ककून, जो कि इस ओलियंडर बटरफ्लाई का शैल होता है। इसके भीतर जो गोल्डन लेयर है, उसे क्रिसलिस लेयर कहा जाता है, जिसके अंदर ये बटरफ्लाई बिना किसी हार्म के ग्रो होती रहती है। क्या आपको इससे पहले पता था कि किसी बटरफ्लाई का शैल इस तरह का भी हो सकता है? नहीं ना, लेकिन हमने आपको पता करके दे दिया। इसके लिए अब एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट इज हरक्यूलस बीटल। बीटल के बारे में कौन नहीं जानता। आज के जमाने में हर किसी को बीटल के बारे में तो पता ही होता है, लेकिन जिस बीटल के बारे में हम अभी बताने वाले हैं, उसके बारे में शायद आपने इससे पहले सिर्फ सुना ही होगा। लेकिन आज इस बीटल को देख भी लीजिए, जो कि राइनोसोरस बीटल की प्रजाति से बिलोंग करता है। ये इंसेक्ट सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि साइज में काफी बड़ा होने के साथ साथ अमेरिका का सबसे बड़ा
और शक्तिशाली इंसेक्ट माना जाता है। इसीलिए इसका नाम हरक्यूलस बीटल रखा गया है, जिसकी साइज तकरीबन 180 mm तक बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे हेलीकॉप्टर बीटल के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि ये जब उड़ता है तब उससे निकलने वाली आवाज हेलीकॉप्टर की तरह सुनाई देती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे अपने घर में पालना पसंद करते हैं, और आप में से किसको हरक्यूलस वाला बीटल चाहिए कमेंट्स में जरूर बताएं। रेनबो लीफ बीटल। बीटल की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जिसे आसानी से तो कोई नहीं देख सकता, जिसमें से एक है ये रेनबो लीफ बीटल। जिस तरह का इसका नाम है उसी तरह का ये दिखाई देता है। ये दिखने में किसी एडिटिंग का कमाल लग सकता है, लेकिन ये सच है दोस्तों। ये बीटल नॉर्वे से लेकर इटली जैसे कई यूरोपियन देशों में देखने के लिए मिलता है। साइज की बात करें तो ये 5 से 10 मिलीमीटर तक ही बढ़ता है, जो एक आम बीटल के मुकाबले काफी कम है, और यही कारण है कि इसे अब तक सभी ने नहीं देखा। लेकिन जितना खूबसूरत ये जीव है उतना ही जहरीला भी है। जी हाँ, ये बीटल बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी शिकारी इन्हें नहीं खाता। ये इसलिए जहरीले होते हैं क्योंकि ये मिल्क वीट के पत्ते खाते हैं, जो इंसानों के लिए जहरीले होते हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोड्रिलस। हमारा अगला जो जीव है वो किसी बीटल के जैसा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन असल में तो ये बीटल की ही एक प्रजाति है, जो कि एशिया के मैनलैंड म्यांमार जैसी जगहों पर पाया जाता है। ये दिखने में एक कीड़े की तरह लगता है, जो ब्लैक रंग का है, और इसके चारों ओर ऑरेंज कलर का नुकीला स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। इनमें से कुछ मेटालिक ब्लू कलर के भी होते हैं, जिस वजह से ये दिखने में और भी ज्यादा आकर्षक नजर आते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी आप जिस बीटल को देख रहे हैं वो असल में एक फीमेल है, और मेल को अगर हम देखें तो वो फीमेल से बेहद अलग और साइज में भी काफी बड़ा हो सकता है, जैसा आप अभी इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। लेकिन हम इंसानों की वजह से बीटल की ये प्रजाति काफी कम होते हुए नजर आ रही है, जो कि पहले से ही रेयर है। नेक्स्ट इज ड्रैगन टेल बटरफ्लाई। दुनिया में एक ऐसी तितली भी पाई गई है जो दिखने में सुंदर होने के साथ साथ काफी रेयर भी है। मिलिए ड्रैगन टेल बटरफ्लाई से, जो कि शो टेल बटरफ्लाई की प्रजाति से बिलोंग करती है। जिस प्रजाति में सब तितलियों की टेल हमें अलग अलग और खूबसूरत देखने को मिलती है, जिसमें इस तितली की टेल लंबी है। ये तितली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती थी, जिसके विंग का साइज तकरीबन 40 से 55 मिलीमीटर तक बढ़ता है, और ये सामान्य तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट होती है। लेकिन देखा जाए तो अभी ये इंडिया के साथ साथ म्यांमार, नागालैंड, थाईलैंड जैसे देशों में भी देखने को मिलती है। अगर आपको भी अलग अलग बटरफ्लाई देखने का शौक है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसे उड़ते हुए देखने के बाद आपका पैसा वसूल होने वाला है बॉस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा इंसेक्ट सबसे ज्यादा प्यारा लगा या फिर रेयर लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। यार, हमें ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी, तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।